सारा अब यहां कभी वापस नहीं आएगी। तुम तलाक के पेपर तैयार करो। मत जाए सारा, प्लीज। तुम वादा खिलाफी कर रहे हो सही। नहीं रह सकता आपके बगैर। उस बेटी को घर ले आए जिसने आपकी इज्जत और नाक कटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खबरदार, जो मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज और बोला तो। ज़हीन, उठो बेटा, 8 बज गए हैं, ऑफिस नहीं जाना तुमने? उठ जाओ, मैं नाश्ता बनवाती हूँ। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी मैं ठीक हूँ, अब चले मैं आता हूँ। ठीक है, जल्दी आओ, मैं नाश्ता बनवाती हूँ। खबरदार, जो मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज और बोला तो। आँख ये नम है, टूटा भरम है, तू ही वजह है, ये तेरा करम है। आँख ये नम है, टूटा भरम है, तू ही वजह है, ये तेरा करम है। समझे न कोई दिल को दुखा के, झुकना है आखिर आगे खुदा के। कन फड़ के दसना चावा, जींदे जी में मरदा जावा, कोई भी सुने ना मेरी। दादा, वो मैंने बेला को बता दिया कि मैं आपके पास हूँ। अच्छा, बता दिया? मैंने तो सोचा था उसे सरप्राइज देंगे, या उसे अपने पास बुलवा लेंगे, या खुद चले जाएंगे। चलो कोई बात नहीं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वो कल रात एक्चुअली उसका फोन आ गया था, तो फिर मैंने कहा कि मैं बता देती हूँ। कोई बात, ये लो बेटा। थैंक यू बाबा, आई लव यू। लव यू मोर बेटा। साहब, शाजमा बीबी को भी यहां बुला लूं? मेरे ख्याल में उसे खुद को तनाई में गौर करने देना ही बेहतर है। अल्लाह ताला आप दोनों को हमेशा खुश रखे। साहब, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। क्या हो गया सबरा?
गलती तुमसे नहीं हुई, गलती तो कहीं ना कहीं मुझसे हुई है। खैर मुझे चाय दे दो, और शाजमा बीबी का नाश्ता ना उनके कमरे में दे आओ। जी बेहतर। ठीक है, थैंक यू। यूनिवर्सिटी जाना है? मैं किसके लिए? आपके लिए है। एसन साहब ने कहा कि आपका नाश्ता आपके कमरे में दे आऊं। मैं वहां गई थी मगर आप कमरे में नहीं थी तो मैं यही ले आई। वो खुद कहाँ है? वो तो सारा बीबी के साथ नाश्ता कर रहे हैं। ले जाओ, मुझे नहीं करना नाश्ता। खड़ी क्या हो, ले जाओ, मुझे नहीं करना नाश्ता। अरे ज़हीन आ बेटा, ज़हीन के लिए भी चाय ले आ। शबाना चेक कहाँ है अम्मा? ऐसे क्या देख रहे हैं? उस चेक की बात कर रहा हूँ जो कल एसन साहब देकर गए। वो चेक? वो तो तेरे अब्बा की अलमारी में रखा है। ला कर देंगे। अम्मा प्लीज ला कर देंगे। तुम क्या चेक वापस करने जा रहे हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं। अरे ज़हीन नाश्ता तो करता जा। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा उसने चेक मांगा और आपने दे दिया। अरे वो तो देख नहीं रही थी कि किस तरह से उसने चेक मांगा था मुझसे, मैं क्या करती। वाह 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 अम्मा वाह, आप तो ऐसे कह रही हैं जिस तरह आप बड़ा अपने बेटे से डरती हैं। अम्मा आपने ये चेक उसे देकर ना सबका नुकसान किया है। अरे तो मुझे क्यों सुना रही है, मेरा क्या कसूर है? उसका ससुर है, उसकी बीवी है, और वैसे भी तेरे अब्बा ने कहा था कि चेक उसको वापस कर देना, उस पे उसी का ही हक है। वाह अम्मा वाह वाह वाह, आप तो दुगना कमाल करती हैं अम्मा, क्या बात है आपकी। दिन रात खिदमतें हम करें उसकी, खाने पका पका कर मैंने उसे खिलाए, कपड़े मैंने उसके धुलवाए, और जब दिल चाह मोहतरमा का हुक्म सादर कर दिया और शबाना जी हाजिर हो गई खिदमतें करने के लिए। कभी चाय लेके जा रही हूँ, कभी कॉफी लेके जा रही हूँ, और चेक पे हक ठहरा किसका? ज़हीन का। वाह अम्मा वाह, अम्मा आपने ना बहुत नाइंसाफी की है मेरे साथ। क्या हो गया, पागल हो गई, दिमाग खराब हो गया इसका? तो वाह।
हेलो जी शबाना, देख लिया ना क्या किया आपकी अम्मा और भाई ने? अब क्या करती है? जहीन अम्मा से चेक लेके चला गया। चेक ले गया? कहाँ ले गया भाई? और कहाँ ले जाएगा चेक? एसन साहब को वापस करने गया है, कौन सा कैश करवाने गया है। और आपका भाई तो वैसे ही बड़ा खुददार और गैरतमंद है, दरख्तों पे पैसे लटकते हैं ना, वहां से तोड़ता है वो, उसे क्या परवाह 10 लाख रुपए की। अभी भी ना हरी हरी सूझ रही है। आलम यह है कि घर तक तो संभाला जा नहीं रहा, जब आटे दाल का भाव पता चलेगा ना तो खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी। और तो और सारा की मोहब्बत में अब तक मरा जा रहा है, पता नहीं चाहता क्या है वो। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं बात करता हूँ उससे। ऐसे कैसे वो चेक वापस कर सकता है? बस मैं रास्ते में हूँ, घर आ रहा हूँ। ठीक है, कर ली तुमने बात। सर, जहीन साहब आपसे मिलने आए। भेज दो। ओके सर। May I come in, sir? कम लगे क्या? तो तुम 1 करोड़ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं सर, इससे भी ज्यादा। दे सकेंगे आप? अपनी बेटी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। मांगो, क्या चाहिए? मुझे सारा चाहिए, अपनी बीवी सारा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? होश में हो तुम? जिसे तुम अपनी बीवी कह रहे हो वो मेरी बेटी है। उस बेवकूफी में बने हुए रिश्ते को ख्वाब समझकर भूल जाओ ना, वो तुम्हारी बीवी है और ना तुम इस रिश्ते के काबिल। How dare you? गुस्सा करने से मामला हल नहीं होंगे सर, इतना आप भी जानते हैं और मैं भी, इसलिए मेरी बात तहमुल से समझने की कोशिश कीजिए। मैं चाहूं तो अभी तुम्हें धक्के मारकर अपने ऑफिस से बाहर निकाल सकता हूं। जहीन, तुम मुझे समझाने की ऑफर कर रहे हो? मुझे एहसन हयात को? नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप मुझे और सारा को अलग करके सारा के साथ अच्छा नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में तुम भूल रहे हो कि मैं सारा का बाप हूं। मुझसे ज्यादा बेहतर और अच्छा उसके लिए कोई भी नहीं सोच सकता। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि ये अच्छा और बेहतर सोचने का ख्याल आपके जहन में 2 महीने बाद ही क्यों आया? तब क्यों नहीं आया जब आपने सारा को घर से बाहर निकाल दिया था, सारा को दर बदर फिरने के लिए छोड़ दिया था? सच सच बताइएगा, सोचा था आपने कि आपकी जवान बेटी को घर से निकालने के बाद उसके साथ क्या क्या हो सकता है? कितने दुश्मन होंगे आपके जो आपकी कमजोरी की ताक में होंगे? अकेली सारा उनके हत्थे चढ़ गई तो? उन 2 महीनों में सारा कैसे रही, किन हालात में रही, फिक्र थी आपको? ऐसे में अगर आपको आपकी बेटी सही सलामत वापस मिल जाती है तो आपके अंदर एहसान मंदी वाले जज्बात होने चाहिए थे सर, आखिर दूसरों को जलील करने वाले। आपको अगर सारा का फैसला गलत लगा था तो तलाक का मुतालबा उसी वक्त करते सर, या सारा को अपने साथ ले जाते और मुझे नोटिस भिजवाते। लेकिन नहीं सर, आपने ऐसा नहीं किया, यही दुरुस्त तरीका था। लेकिन आपने जो किया उसके बाद
बाद सारा का शोहर होने की हैसियत से मैं आपसे पूछता हूं, सारा को वापस मेरे घर छोड़कर जाने के क्या लेंगे? क्यों नहीं आई हो? मैंने तुम्हें कहा था ना, एहसन का आधी रात को उठ के अपनी बेटी के कमरे में जाना कोई आम बात नहीं। मैंने तुम्हें कहा था मुझे डर लग रहा है कि एहसन सारा को वापस ले आएंगे, लेकिन तुमने मेरे खर्चे को कोई अहमियत नहीं दी। शासमा, तुम्हें पता है ज़हीन ऑफिस आया था। क्या लेने क्या आया था? क्या बातें हुई उन दोनों में? ये तो मुझे नहीं पता चल सका, बल्कि मुझे तो उसके ऑफिस आने का नहीं पता चला। अभी एहसन के रूम से उसे निकलते हुए देखा तो मैं तो घबरा गया। बहाज, मुझे लगता है हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। शासमा, मैं तो खुद रात भर सही सो नहीं सका, सुबह भी डर डर कर ऑफिस आया। डर है कि किसी भी वक्त एहसन ऑफिस में बुला लेगा। मैं तो एहसन की पार्टनरशिप करवाने में मसरूफ था, सोचा ही नहीं था कि अगर सारा आ गई तो कैसे हैंडल करूंगा। क्या ज़हीन एहसन को सारी बातें बताने आया था? अरे उस ज़हीन से मुझे कोई खतरा नहीं है, कोई सबूत नहीं है उसके पास, और एहसन सबूत के बगैर उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। हो सकता है शाजमा के ज़हीन अपने और सारा के मामला तय करने आया हो, हम बिला वजह डर रहे हैं। हमें सिर्फ ये पता करवाना है कि सारा एहसन को ज़हीन के हक में राजी करवा रही है या नहीं। पता है, कल रात से मुसलसल एहसन सारा के साथ है, नाश्ता भी इन्होंने साथ किया, मुझे बुलाया तक नहीं। हम बहुत खतरे में हैं शाजमा, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अगर तो सारा ने एहसन को मेरी हकीकत बता दी तो। क्या मतलब, कैसी हकीकत? मैं वो सारा को मजबूर करने के लिए, इनफैक्ट उसे परेशान करने के लिए उसके फ्लैट पर गया था। क्या तुम उसके फ्लैट पर गए थे? वहाँ तुम अपने छिछोरेपन से बाज नहीं आओगे क्या? मैं जानती हूँ सारा को देख के ना तुम्हारी राल टपकती है। तुमने बहुत बुरा किया वहाज, वो अपने एक सेकंड नहीं लगाएगी एहसन को सारी हकीकत बताने में। तुम परेशान मत हो शाजमा, मैं सारा को रोक सकता हूँ, मैं उससे। अब तुम फिर उससे बात करोगे? कोई जरूरत नहीं है तुम्हें सारा से बात करने की, अब जो होता है होने दो, तुम्हारी वजह से हम पहले ही खाई में गिर चुके हैं। कैसी हो सारा? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे फोन करने की? क्या हो गया यार, तुम मुझसे हमेशा इस तरह बात क्यों करती हो? मैं तुमसे बात करना ही नहीं चाहती। आज के बाद मुझे फोन करने की कोशिश की तो तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। मैं अपने पापा को तुम्हारे बारे में एक एक बात बता दूंगी। वैसे भी कुछ ही दिन है तुम्हारी आफियत के, उसके बाद तो अपनी इज्जत संभालते फिरोगे। मैं अपनी इज्जत संभालूंगा सारा, या फिर तुम जब अपने बाप को बताओगी सो बताओगी, लेकिन उससे पहले मैं उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। क्या है तुम्हारे पास बाबा को मेरे बारे में बताने के लिए? यही कि एहसन साहब, आपकी शहजादी जैसी लाडली बेटी आपसे बदला लेने के लिए आपके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर के यहाँ जॉब कर रही है। और जॉब भी कैसी?
उसके क्लाइंट्स को एंटरटेन कर रही है। कंपेटिटर? वो मेरे बाबा का कंपेटिटर था, लेकिन मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता था। इस बात का यकीन अपने बाबा को कैसे दिलाओगे तुम? वो मेरे बाबा हैं, मेरी हर बात पे यकीन करेंगे। जिस बाबा ने 2 महीने तक तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखी, तुम्हारे कार्ड सब ब्लॉक करवा दिए थे, तुम्हें अकेला भटकने के लिए छोड़ दिया था, उस बाबा को यकीन दिलाओगे तुम? ग्रेट सारा, विश यू बेस्ट ऑफ लक। क्या बकवास कर रहे हो? जो सच है वही बक रहा हूं। अभी ना फोन रखने के बाद मैं तुम्हें कुछ पिक्चर्स सेंड करूंगा, उन पिक्चर्स को देखना और ये सोचना कि अगर ये पिक्चर्स मैं तुम्हारे बाबा को भेज दूं तो फिर क्या होगा, कैसा फील करोगे तुम? सारा, क्या तुम एक बार फिर फरहान जैसे और सही जैसे लोगों के पास वापस जाना पसंद करोगी? क्या हो गया, तुम तो बिल्कुल ही खामोश हो गई। आई थिंक बिजी हो। चलो ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। और हाँ, तुम्हें विश करना तो भूल ही गया मैं। वेलकम बैक टू होम। मालूम होना चाहिए कि हमारी कंपनी के शेयर्स अचानक डीवैल्यू कैसे हो गए और उन शेयर्स को खरीदने वाले कौन हैं? एक दो लोगों पर मुझे शक है। अखियां नु तेरी दीद दी बना चाहिए। वो तो जज्बाती है अम्मा, आपको थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए था। भला आप खुद सोचे अम्मा, हमें कितने नफलों का सवाब है। सारा को अपने घर पे रखा, उसके नाज नखरे उठाए, पर एक दिन उसके अब्बा उनके साथ चलती बनी और एहसन साहब ने जो रकम हमें तोहफतन दी थी और हम ऐसे गैरतमंद हैं जाकर उनको वापस लौटाए। ये सारे के साथ जो हमने किया है, इसे मैं तुम एक नेकी क्यों नहीं समझते? रकम लेना अच्छा लगता है क्या? अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस तरह से तोहफा ठुकराना अच्छा था क्या? और वैसे भी हमने अपने मुंह से रकम नहीं मांगी थी, वो खुद देकर गए थे। और वैसे हम कौन सा अम्मा लैंडलॉर्ड है, बीसियों जरूरतें हमारी पूरी हो सकती थी उस रकम से। बस कर दो अनवर, बस कर दो। और कितना शर्मिंदा करोगे अपने बाप को? ये तुम्हारे बाप है, अगर इन्होंने कोई फैसला किया है तो सोच समझ के ही किया होगा ना। और जिस फैसले पे तुम्हारे भाई और तुम्हारे बाप दोनों मुत्तफिक हैं, उसमें तुम्हें भी राजी होना चाहिए। भाई बड़े हमें समझाने वाले। देख यार, मैं तेरी परेशानी समझ सकता हूँ, मगर ये बात भी अंडरस्टूड थी कि सारा को तुझसे मोहब्बत नहीं थी। मैंने कभी तुझसे कहा नहीं कि तू हर्ट होगा, लेकिन मुझे लगता था कि सारा वापस जरूर जाएगी। देख तू परेशान ना हो, दिन बदलते कौन सी देर लगती। तुम इतनी अहम बात मुझे अब बता रही हो सारा? तुम्हें अंदाजा है ये कितनी बड़ी बात है तुम्हारा बाबा के दुश्मन के साथ काम करना? और इससे भी बड़ी बात ये कि बाबा को ये बात पता चले। मैं जानती हूँ वो बहुत हर्ट होंगे। वो सिर्फ हर्ट नहीं होंगे सारा, ये उनके लिए बहुत इंसल्टिंग भी होगा कि उनकी बेटी उनके दुश्मन के पास काम करती थी, वो भी इतनी चीप पोजीशन पर। ऐसे तो बाबा के ऑफिस में कई लोग हैं, और जो वहाज ने कहा वो बेला, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो बाबा के कंपेटिटर है।
और बेला तुम तो जानती हो कि बाबा ने अपने बिजनेस के बारे में हमसे कभी कुछ डिस्कस ही नहीं किया था। उनका बिजनेस कैसा जा रहा है, क्या क्राइसिस है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है। पर बेला तुम जानती हो मेरे हालात, मुझे जॉब की कितनी अशद जरूरत थी उस वक्त पे। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन तुम भी तो सोचो, अगर बाबा ने उस तरह से रिएक्ट ना किया होता तो फिर ये सब भी नहीं होता ना। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं कल आ रही हूँ, फिर हम दोनों मिलकर बाबा से बात करेंगे। नहीं नहीं नहीं, बाबा से इस बारे में कोई बात मत करना प्लीज, वो बहुत हर्ट होंगे और मुझसे नाराज हो जाएंगे और मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, मैं नहीं करती बात, मगर हमें उन्हें उनके दुश्मनों से आगाह करना भी तो जरूरी है ना। वो नहीं मानते इस बात को कि उनकी बीवी उनके बिजनेस और हमें नुकसान पहुंचा रही है अपने दोस्त के साथ मिलकर। मैं जब से घर आई हूँ तो ज्यादा वक्त अपने कमरे में ही गुजारती हूँ ताकि मेरा उससे आमना सामना ना। ऐसा क्यों कर रही हो सारा, इस तरह से तो वो और शेर हो जाएगी। मुझ में अब और हिम्मत नहीं है बेला, हाय अल्लाह कितने प्यारे हैं ना आप, आपने मेरी सुन ली। सारा आ भी गई थी ना, फिर भी मेरा दिल नहीं मान रहा था कि जई मेरा नहीं हो सकेगा। आपने मेरी दुआ में असर देखा अम्मी, कैसे अचानक उसके अब्बा आकर उसको ले गए। ऐसी गैप से अल्लाह ताला मदद भेजते। अच्छा बस ज्यादा खुश मत हो, कोई पहली दफा नहीं गई है, पहले भी जा चुकी है, और वैसे भी मुझे जहीन से तो कोई उम्मीद ही नहीं है। सारी जिंदगी ना ये बिल्ली चूहे का खेल चलता रहेगा और तुम उसके इंतजार में बैठे बैठे बूढ़ी हो जाना। हाय अम्मी बद्दुआ तो ना दे, आपकी बेटी हूँ मैं। सही कह रही है अम्मी, अब तो मुझे भी उम्मीद नजर आ रही है। तो फिर कब लेके जा रही है तुम मुझे अपने घर? अभी नहीं, अभी सबर करो। अरे अभी लेके जाऊंगी ना तो सबको शक हो जाएगा, तुम्हें सबर नहीं है। देखो शबाना, उसको कोई उम्मीद मत दिलाओ। सारा जब बीच में नहीं थी ना तब भी जहीन इससे शादी नहीं करना चाहता था। बाबा राइस पास कीजिएगा। कैसी हो सारा बेटी? शाजमा के भाई को कैंसर हो गया सारा, और उसकी हालत के पेश नजर डॉक्टर्स ने उसे एडमिट कर लिया। फहाद के जाने के बाद शाजमा की वालदा अकेली हो गई थी घर में, तो शाजमा उनको अपने साथ ही आ रही है, अभी हमारे साथ ही रहेंगी। अगर मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम है तो मैं अपने कमरे में खाना खा लिया करूंगी, कोई मसला नहीं है। नहीं बेटा, तुम क्यों रूम में खाना खाओगी? अब हम सब एक फैमिली है और अब हमेशा एक साथ ही खाना खाएंगे। ये देखो आज साबरा ने सारे खाने तुम्हारी पसंद के बनाए। जी जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे, शाजमा ने खास तौर पर कह के सारा की पसंद के खाने बनवाए। अच्छा बताओ कि बेला से दोबारा बात हुई, कब आ रही है वो? उसकी परसों सुबह की फ्लाइट है बाबा। अब ये दूसरी मुसीबत आ गई, अब ये मैडम पहुंच गई रंग में भंग डालने के लिए। ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, कुछ कर भी नहीं सकते ना, तेल देखो और तेल की धार देखो। और एक मेरी बात गौर से सुन लो, अब सारा की खुल्लम खुल्ला मुखालफत करने में जरा मोहताद रहना। सारा जिस तरह वापस आई है ना, कोई मामूली बात नहीं है, माना कि अभी चुप है कुछ बोल नहीं रही, लेकिन अगर उसने एहसन के सामने जबान खोल दी ना तो सारी बाजी उलट जाएगी। तुमने देखा नहीं था किस तरह डिशेज उठा उठा के एहसन उसे दे रहा? जितना वो चुप रहेगी इसमें उसका अपना ही भला है। अगर उसने मेरे साथ जरा सा भी अड़ने की कोशिश की तो अपने मुंह की खाएगी।
खेल सिर्फ खत्म होने को है, बाजी सिर्फ समेटने को है। और ये सिर्फ बाजी मत समेटो, कुछ माल भी समेटो। वही तो कर रही हूँ अम्मा। ऊपर से सारा आ गई और उसकी बहन भी, इस तरह से तो उसकी ताकत मेरे खिलाफ डबल हो जाएगी। तुम फिक्र क्यों कर रही हो, मैं और वहाज भी तो तुम्हारे वहाज साथ। का नाम ना लें आप, घटिया इंसान। काम खराब करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। देख लूंगी मैं उसे बाद में। देखा तुमने, मैं तो हमेशा से कहती थी कि वहाज एतबार के काबिल नहीं, और मुझे यकीन था कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, लेकिन तुमने उस पे जरूरत से ज्यादा एतबार कर लिया। Well, हाँ खैर, आपको इस घर में दबकर रहने की कोई जरूरत नहीं, ये आपकी बेटी का घर है। ऐसन की बेटियों का कोई हक नहीं कि मेरी माँ के यहाँ रहने पर एतराज करें। समझ रही है ना आप, आराम से रहे, कुछ भी खाना पीना हो साबरा को बता दीजिएगा। हाँ महाज, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। शुक्र है अल्लाह का, इतने दिन से टेंशन में, फाइनली कुछ गुड न्यूज मिली। बताओ क्या है। तुम्हें सारा से डरने की अब कोई जरूरत नहीं है, सारा की बोलती बंद कर दी है मैंने। क्या मतलब, ऐसा क्या किया है तुमने। ज्यादा कुछ खास नहीं, जो फरहान के यहाँ वो जॉब कर रही थी उसके बारे में उसे डिटेल से बताया मैंने, और वो मासूम सी लड़की, बस इतना ही प्रेशर उसके लिए काफी था। अब अगर अपने बाप को मेरे बारे में कुछ भी बताएगी तो उल्टा खुद फंसेगी। मेरा तुम्हें कॉल करने का मकसद यही था कि तुम्हें और टाइम मिल गया है। दूसरा यह कि अब उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, लेकिन खुद भी पंगा लेने की कोशिश मत करना, कभी कभी बेवकूफ लोग भी नुकसानदेह हो सकते हैं। सारा के जाने का काम कब तक बनाओगे जहीन? भाई साफ सी बात है, उसने तो तुम्हें मुड़के देखा तक नहीं कि तुम किस हाल में हो, और तुम हो के उसके जाने के बाद खाना भी ठीक से नहीं खा पा रहे हो। तू चुपचाप खाना नहीं खा सकती, अपने बच्चों की और अपने मियाँ की फिक्र कर। इस घर में कौन खाना खाता है कौन नहीं खाता इसका गम लेने की जरूरत नहीं है तुझे। लो भाई अम्मा, मैंने ऐसा भी गलत कह दिया, आप देख नहीं रही जू की तू पड़ी है इसकी प्लेट, एक निवाला तक नहीं खाया इसने। भाई दुनिया वालों के लिए होगा ये मेरा देवर, मगर मेरे लिए तो सगे भाइयों से भी बढ़ के, मुझे तो उसकी परवाह है ना। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि इस लड़की में वफा नाम की कोई चीज नहीं है, उसने तो कल कलां को जाना ही था, मैं तो शुरू दिन से ही कह रही। आप तो पहुंची भी बुजुर्ग हैं, सब मालूम था आपको कि वो चली जाएगी यहाँ नहीं रहेगी, लेकिन एक बात नहीं मालूम आपको, वो इस घर में वापस आए या नहीं। लेकिन आपकी बहन इस घर में कभी नहीं आएगी। अरे खाना तो खा ले। चलो उठो, खा लिया खाना। तेरी जबान बंद नहीं होती ना, उसे खाना भी नहीं खाने दिया सही से। सारा तुम्हें शाजमा की माँ के यहाँ रुकने पे कोई इतराज है? नहीं बाबा, एतराज तो नहीं है, बट अच्छा नहीं लगता, हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी, और आपको पता है कल बेला भी आ रही है। मैं समझता हूँ बेटा, लेकिन उनकी भी मजबूरी है, मैं एकदम लाताल्लुक तो नहीं हो सकता। थोड़े दिन तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। सिर्फ मैं? मैंने शाजमा से भी बात की और उसने मुझे यकीन दिलाया। खैर अब इन पुरानी बातों को छोड़ो, आगे बताओ कि तुमने क्या सोचा। कुछ नहीं, अपनी स्टडीज कंटिन्यू करना चाहती हूँ मैं।
तुम्हारे सेमेस्टर तो गुजर चुका है और अगले सेमेस्टर में 3 माह अभी हैं, तुम तब तक घर में रुककर तैयारी शुरू कर दो। सहीन के बारे में तुमने क्या सोचा? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। बाबा, क्या इस बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं? अभी क्यों नहीं बेटा, पहले ही बहुत वक्त जाया हो चुका है। मैं सिर्फ तुम्हारी जहीन के बारे में क्लियर राय जानना चाहता हूं। अगर तुम उसे पसंद नहीं करती तो बिला वजह इस रिश्ते को लटकाना बेकार है। और अगर तुम पसंद कर... वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसी है मेरी बहन? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और क्या हाल है मिस्टर टू? इतनी खुश हूं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम। कैसे आप? कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है बच्चा। आज इतने अरसे बाद तुम्हें देख रही हूं। और तुम सुनाओ? आई एम सो हैप्पी। मैं भी आज बहुत खुश हूं क्योंकि मेरी बहन और मेरे बाबा दोनों मेरे पास है। अरे भाई, अब सारी बातें यही करोगे, बाकी अंदर चल के करते हैं। चल चल चल। कितना अच्छा लग रहा है ना बाबा, आज हम चारों यहाँ कितने अरसे बाद मिलकर बैठे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा। और बताओ क्या चल रहा है आजकल, क्या मसरूफियात है तुम्हारी? कुछ नहीं, अब सेमेस्टर शुरू होने में अभी थोड़ा टाइम है, इसलिए मीनवाइल मैं बाबा का बिजनेस ज्वाइन कर रही हूँ। तुमने आज तक ढंग का डिसीजन तो लिया नहीं। बिजनेस के मामलात के खाक संभालोगे? मेरी बहन को इतना अंडर एस्टिमेट मत करें सारिम। आपको पता है अपने स्कूल में थ्रू आउट टॉपर रही है ये, और ए लेवल्स में बहुत अच्छे ग्रेड्स लिए थे इसने। टॉपर्स ही अक्सर औकात ब्लंडर्स करते हैं क्योंकि उन्हें खुद पर कुछ ज्यादा यकीन होता है। अंकल, आप मेरी मानिए तो प्लीज, आप सिर्फ अपने बिजनेस पर ही नहीं अपने साथ काम करने वालों पर भी तवज्जो दीजिए। नए पुराने, नए ऑफिस ज्वाइन करने वाले ख्वाहिशमंद सब पर। पिछले 2.5 महीने से बाबा यहां पर नहीं थे और इनका बिजनेस तुम देख रही थी। वजह बताओ कि इनका बिजनेस इतने क्राइसिस में क्यों आया और इनके इतने सारे शेयर्स कैसे बिक गए? बेला, ऑफिस की बात ऑफिस में अच्छी लगती है। एहसन, आपकी बेटी मुझ पर इल्जाम लगा रही है कि आपके बिजनेस क्राइसिस की वजह मैं हूं। जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा शाजमा, क्योंकि बाबा तुम पर डिपेंड होकर अपना बिजनेस यहां छोड़कर गए थे और बिजनेस का तभी तो यह हाल हुआ है। वरना इससे पहले बाबा बहुत दफा बिजनेस ट्रिप पे गए हैं, बिजनेस का ऐसा हाल कभी नहीं हुआ। बेला प्लीज, मैंने कहा ना, मेरे बिजनेस क्राइसिस में शाजमा का कोई कसूर नहीं है। शाजमा कसूरवार ना सही, लेकिन और भी तो लोग हैं जिनसे पूछताछ की जा सकती है। जैसा कि मैं जब तक यहां हूं आपके साथ ऑफिस चलूंगा, इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है अंकल। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी कंपनी के शेयर्स अचानक डीवैल्यू कैसे हो गए और उन शेयर्स को खरीदने वाले कौन है। मेरा वकील इस पर काम कर चुका है सर, मुझे तुम्हारी जरूरत थी, तुम मेरे साथ चलो, कुछ चीजें तुमसे डिस्कशंस करनी। वैसे एक दो लोगों पर मुझे शक है।
अखियां नू तेरी दीद दी पनाह चाहिए।